हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी। ये रेसिपी सिर्फ दो चीज़ों से बनाई है और बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके तैयार हुई है, और इसे बनाने में समय भी कम लगता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप पानी। पानी में ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिली फ्लेक्स 1/4 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। पानी जब गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें मिला देंगे 1/2 कप सूजी। सूजी को लगातार चलाते हुए हम पानी में मिक्स करेंगे और पानी बहुत जल्दी सोख लेगा सूजी। तो ये देखिए, सूजी अब गाढ़ी हो चुकी हुई है, सारा पानी सोख चुकी हुई है। और फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबला हुआ आलू, जिसको कि बहुत ही बारीक कद्दूकस कर लिया है, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, और गैस का फ्लेम इस समय भी लो ही रखेंगे जब हम इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी ही देर में सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होके ये देखिए डो जैसा बन जाएगा। और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे लो रखा है और ये धीरे धीरे पैन छोड़ रहा है, तो गैस को हम बंद कर देंगे। और इसके बाद जब ये ठंडे हो जाए, पूरी अच्छी तरह से ठंडा नहीं करना है, जब ये थोड़े ठंडे हो जाए जिससे कि हम इसे हाथ से टच कर सकें, तो दूसरे प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल मिक्स करते हुए इसका हम बहुत ही चिकना डो बना लेंगे। तेल से ये हाथ पे चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए डो बनके यहाँ पे रेडी है। तो अब हम इसमें से 1 नींबू के साइज़ के आकार का डो लेंगे और इसको हाथ पे गोल करते हुए हम कोई सा भी शेप दे लेंगे, ओवल गोल कैसा भी शेप दे लें। मैं यहाँ पे इसको पेड़े जैसा बना रही हूँ, ये देखिए। और इसी तरह से एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो नींबू के साइज़ के आकार का डो ले लें, बड़ा या छोटा आप कैसा भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा मीडियम साइज़ का ही लिया है। और ये देखिए, इसी तरह से हम सारे यहाँ पे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए पैन में तेल अच्छा गर्म चाहिए, और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके ये नाश्ता डालेंगे। और जब ये एक तरफ से थोड़े फ्राई हो जाए तो इसे सावधानी से पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। और इसी तरह से बीच बीच में इसको पलटते हुए हम अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक, क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में मूव करते रहेंगे और पलटते रहेंगे। जब तेल गर्म हो जाए और जब हम ये कटलेट डालेंगे तेल में, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेते हैं तेल में से, और इसका कलर कितना बढ़िया आया है ये देखिए। और इसी तरह से हम बाकी के भी सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, कटलेट बोल लीजिए या फिर आप इसको टिक्की बोल लीजिए, सूजी से बना हुआ। और ये बहुत टेस्टी लगता है, इसे बनाने में ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही परफेक्ट स्नैक्स रेसिपी है, और आप इसको अपने पसंद के चटनी केचप के साथ खाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।